देखिए, हम कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजॉरिटी की दृष्टि से नहीं देखते। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है। हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है, कम से कम 12 से आगे भी जा सकते। बहुत अच्छा एटमोस्फियर है यहाँ, जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तापित हुई है, जो विकास का वातावरण मिल रहा है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे, हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते हैं। देखिए, हम कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजॉरिटी की दृष्टि से नहीं देखते। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है। हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है, कम से कम 12 से आगे भी जा सकते। बहुत अच्छा एटमोस्फियर है यहाँ, जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तापित हुई है, जो विकास का वातावरण मिल रहा है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे, हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते हैं। देखिए, हम कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजॉरिटी की दृष्टि से नहीं देखते। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं, आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, ये तय है। हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है, कम से कम 12 से आगे भी जा सकते। बहुत अच्छा एटमोस्फियर है यहाँ, जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तापित हुई है, जो विकास का वातावरण मिल रहा है, सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहाँ आने से यहाँ के यूथ में काफी उत्साह है। हेमंत विश्व शर्मा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है। ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे, हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे, 12 से आगे भी जा सकते हैं।